फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग प्रेरणाज लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग कुछ थोड़ा न्यू होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सम हाउस होल्ड आइटम्स विच आई परचेज फ्रॉम Amazon एंड Flipkart। और बस मेरे लिए थोड़ा सा नया है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी प्रेरणा को बहुत बहुत सारा प्यार दें। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट आई परचेज फ्रॉम Flipkart एंड Amazon फॉर दिवाली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पिलो कवर। जी हाँ, दिवाली में सबसे ज़्यादा हमें अगर सस्ता और टिकाऊ कोई डेकोरेशन करना रहता है तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कुशन कवर्स चेंज, अपनी बेडशीट्स चेंज। तो मैंने परचेज किए हैं, दिस इज Amazon। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं, दिस साइज इज 12x18 or 12x16, I'm not sure, लेकिन मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि क्या साइज है। लेकिन ये रेक्टेंगल शेप में है और इसी का ही फिलर भी मैंने मंगाया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अभी दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह के मल्टी कलर्स में, और ये काफ़ी अफोर्डेबल रेट है Amazon में। मैं अभी इसका लिंक डाल दूंगी, अभी क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता, बट मैं लिंक डालूंगी। ये 300 समथिंग में मैंने परचेज किया है दिस टू कवर्स, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज नॉट प्योर कॉटन एक्चुअली, थोड़ा सा पॉलिस्टर मिक्स है, लेकिन इट्स वर्थ बिकॉज क्वालिटी इज वेरी नाइस। जिपिंग वगैरह भी इसका बहुत अच्छा दिया हुआ है, नहीं तो कई बार हम लोग थोड़ा सस्ता वगैरह में जाते हैं तो ये प्रॉपर में नहीं आता है। तो ये मल्टी कलर में मैंने लिया है। अगर आप इसको प्लेन बेडशीट के साथ किसी में भी लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा निखर के आएगा। तो सेकेंड आइटम है ये, सेम पिलो कवर्स हैं, सेम साइज जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो ये भी मैंने अपनी एक बेडशीट के लिए मंगाया है, जो मेरे पास बेडशीट थे लेकिन पिलो कवर्स उसके थे, लेकिन इस तरीके के रेक्टेंगल पिलो कवर्स नहीं थे मेरे पास। तो ये देखिए, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये दो आए हैं, बट ये एक थोड़ा इस स्टाइल में है और एक, यानी आप अलग अलग करके भी बिछा सकते हैं कॉम्बिनेशन में अलग अलग बेड्स पे। तो ये भी मुझे समथिंग 300 समथिंग में ही पड़ा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आप लोगों को परचेज करना हो तो। द क्वालिटी इज सो नाइस, इट्स प्योर कॉटन, और इसका जो पीछे का मटेरियल है वो भी प्योर कॉटन का है, और जिपिंग वगैरह भी बहुत अच्छी दी हुई है, स्मूथ है। क्वालिटी वाइज 10 out of 10, एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। अगर आप किसी भी अपनी वाइट बेडशीट पे, ब्लैक बेडशीट पे डालते हैं तो कुछ अलग ही लुक आएगा। मैं जब भी बेडशीट बिछाऊंगी आप लोगों के साथ मेरे ब्लॉग में जरूर शेयर करूंगी। तो ये है सेकेंड आइटम। और थर्ड आइटम है हमारा ये। ये भी पिलो कवर्स, आप कहेंगे इतने पिलो कवर्स क्यों मंगाई है, बिकॉज मुझे बेडशीट्स का और पिलो कवर्स का बहुत शौक है, और खास करके दिवाली में इस तरीके के अगर बेडशीट पिलो कवर्स मिल जाए तो क्या कहना। आप ये देखिए, दिस इज सो ब्यूटिफुल, और इसका क्वालिटी इज, दिस इज फर एंड सो सॉफ्ट। और आप कहेंगे कि ये निकल जाता होगा या वॉशिंग के बाद, जी नहीं, ये मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, आप कितना भी वॉश करिए ये कुछ भी नहीं निकलता है। सो 10 out of 10 मैं बोलूंगी इस क्वालिटी वाइज, इट्स सो ब्यूटीफुल। पीछे से सिल्क है, सिल्क कॉटन ब्लेंड है, लेकिन ये ज्यादा चलता है बहुत, और जिपिंग वगैरह की भी क्वालिटी इज सुपर ऑसम। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब भी मैं बिछाऊंगी। तो ये थर्ड आइटम है, आप दिस इज वर्थ, और इतना सॉफ्ट है ये कि मैं थम्स अप करूंगी इसके लिए, आप ले सकते हैं जिनको भी इस तरीके के कुछ, क्योंकि मेरा बेडरूम आप देख सकते हैं वाइट और गोल्डन थीम है, तो मुझे इस तरीके की चीजें अगर मिल जाती है तो मैं जल्दी से ग्रैब कर लेती हूँ, बिकॉज मैचिंग इतना जल्दी मिलता नहीं है। सो दिस इज, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको दिखाए थे कुशन कवर्स दिखाए, और ये देखिए ये कुशन कवर्स का है फिलर। फिलर भी मैंने ये Amazon से मंगाया है, काफ़ी अफोर्डेबल है, ये सेट ऑफ टू में है, और ये साइज वाइज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पिलो कवर्स दिखाए उसमें ये वाला साइज आपको बैठेगा। दिस साइज आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक। एंड अगेन फोर्थ आइटम है ये है 16x16 के पिलो कवर्स।
सॉरी कुशन कवर्स, और ये भी मैंने मंगाए हैं आई थिंक फ्लिपकार्ट से। पहले मुझे लगता था कि अमेजोन का ही क्वालिटी बहुत अच्छा लगता अच्छा होता है, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। मैंने ट्राई किया है कहीं बहुत सारी आइटम्स मैंने इस बार फेस्टिवल सीजन में मंगाई हैं फ्लिपकार्ट से, एंड आई जस्ट लव द आइटम्स। और उसमें से ये भी एक आइटम है, ये आप देख सकते हैं सेम जो मैंने आपको पहले दिखाया, इट्स फर, लेकिन उससे थोड़ा सा फरी कम है। ये जो रेक्टेंगल वाला था उससे थोड़ा कम है, बट दिस इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल, रेट वाइज इट्स ऑसम। ये 400 समथिंग में मैंने 5 का सेट मंगाया है, जी हाँ 1, 2, 3, 4, 5 का सेट है ये, तो वेरी बिग थम्स अप। इस रेट में 5 का सेट मिलना, इट्स लाइक ओह माय गॉड। तो ये भी डील मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगला आइटम है ये देखिए, ये भी मैंने इससे मैच वगैरह मैच में मंगाया है। दिस इज 24x24, जी हाँ ये बड़ा वाला है, तो हम लोग बड़े वाले जो हम लोग सेट लगाते हैं पिलोज के, ये वो है। तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा, बट जब ये क्वालिटी आई और मैंने देखी सो वर्थ टू बाय। जिन्हें इस तरीके की, ये वेलवेट है पूरा, फर कम वेलवेट का क्वालिटी है, ये बहुत स्मूथ है। तो मेरे पास ऑलरेडी सीक्वेंस में था, मुझे कुछ ऐसी ही क्वालिटी चाहिए थी जो यू नो हम लोग रेगुलर में भी यूज़ कर सके। तो मैं जब भी बिछाऊंगी इसका भी मैं आपको ज़रूर क्लिप दिखाऊंगी, और क्वालिटी वाइज इज वेरी वेरी नाइस, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो चेक ज़रूर करिएगा। बोल चुकी नेक्स्ट आइटम है, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास दिस वाइन ग्लासेस। यू कैन सी दिस इज सो ब्यूटीफुल, और ये पैकिंग भी बहुत अच्छा आया है इसका। ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, और बहुत अच्छे रेंज में। तो क्वालिटी वाइज इट्स ब्यूटीफुल, और थिक है, काफ़ी पतला नहीं है। कई बार हम लोग जब बाहर से ऑनलाइन वगैरह मंगाते हैं तो ना दिखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन जब आते हैं तो काफ़ी यू नो आवाज़ जो होता है ना बड़ा थिन सा रहता है, यानी कभी भी कहीं भी लग के भी टूट जाते हैं। बट ये क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, इट्स वेरी हैवी, और आप देख सकते हैं so quality wise is 10 out of 10, or packing wise is also 10 out of 10. Fish glasses you can say, this is so beautiful and cute. बच्चों को आप इसमें जूस वगैरह दे सकते हैं, शेक्स वगैरह दे सकते हैं, इवन वी कैन सर्व आइसक्रीम ऑल्सो। सो मुझे बहुत क्यूट लगे तो मैंने ये पर्चा, और इवन इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट आइटम है फ्रेंड्स हमारे पास अगेन सम ग्लासेस। आप कहेंगे इतने सारे ग्लासेस मंगा के बैठी है, तो जी हाँ मेरे पास जब मैं जॉर्डन से शिफ्ट हुई तो मेरे पास इतने सारे कांच के ग्लासेस नहीं थे, तो आई वॉज वेटिंग कि ऐसा कुछ डील अच्छे से हो, और कुछ दिवाली वगैरह आए, या कुछ यू नो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, आपको जैसे पता है फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पे क्या होता है आपको शॉपिंग करना इट्स वर्थ, बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं तो 200-300 का फ़र्क, इवन सम आइटम्स में तो आपको बहुत ज़्यादा वाला डिफरेंस भी मिल जाता है। तो मेरे जैसे आप थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि शॉपिंग तो करनी है, हमें लेडीज़ को शॉपिंग करना तो बहुत पसंद है, बट यही है कि हम लोग टाइम पे शॉपिंग करें, स्मार्ट शॉपिंग करें, ताकि हमारे भी थोड़े पतियों के भी पैसे बच जाए। तो नेक्स्ट आइटम ये है, बातचीत हो गई, ये है वाइन ग्लासेस अगेन, और इवन यू कैन यूज़ दिस बाय वाइन और ड्रेसेस के लिए, और ये देखिए इस तरीके से बहुत बहुत चीज़ों से, पानी के लिए, कई चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम जैसे पंजाबी हैं तो हम हर तरीके से यूज़ करते हैं, तो बस ये देखिए दिस क्वालिटी वाइज अगेन मैंने जैसे बताया आपको कि कई बार जो ये आवाज़ जो आती है ना यही बता देती है कि इट्स हैवी और लाइट, तो आप आवाज़ से सुन सकते हैं। क्वालिटी वाइज 10 out of 10, एंड दिस इज सो सो ब्यूटिफुल, देख सकते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिनको ऐसे ग्लासेस का शौक हो तो वो परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट यू कैन सी दिस, दिस इज सो ब्यूटिफुल, एंड इस तरीके से आगे इस तरीके से कपड़े से कपड़े के हैं, तो क्वालिटी वाइज इट्स वेरी नाइस एंड अफोर्डेबल।
ऑल्सो प्राइस भी काफी इसका सही था। चाय रख सकते हैं आप इसके ऊपर, कप्स रख सकते हैं, जो कोस्टर का यूज होता है वो कर सकते हैं, और इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप लोगों को अच्छा लगे। दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल। ये मैंने मंगाया है अमेजोन से और मीशो से, दोनों लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आई विल सी। तो ये है अचार की बॉटल्स, इतनी क्यूट सी है, देख सकते हैं इस पे अचार लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरा में उल्टा दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बॉर्न चीनी है और इतना हैवी भी नहीं है, लाइट, लेकिन आपका अचार चटनी वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे तीन जार है, और दूसरा है चटनी, इस पे लिखा हुआ है चटनी, और इसके इस तरीके का है। एक है अचार, एक है चटनी, इसका भी ढक्कन है लेकिन वो नीचे है। वेरी ब्यूटिफुल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइटम है, मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, तो ये है सिग्नोरा वेयर का टिफिन बॉक्स जो मैंने मंगाया है ओम के लिए। ये इस तरीके का है, और ये है स्टील का। मुझे प्लास्टिक बहुत कम पसंद है, बच्चों को खास करके टिफिन में देने के लिए, तो क्योंकि गरम गरम भी हम चीजें डालते हैं तो इट्स नॉट सेफ टू हम लोग प्लास्टिक में डालें, तो इसीलिए मैं हमेशा स्टील प्रेफर करती हूँ बच्चों के टिफिन के लिए। तो इसके लिए इसके अंदर हमें ये इस तरीके की डब्बी मिली है, एंड दिस इज लीक प्रूफ लिखा हुआ था, स्टिल आई डिड नॉट यूज, तो मुझे पता नहीं है। और क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं इसका क्वाइट हैवी और बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है। इवन इसका जो प्लास्टिक भी है ना, ये थोड़ा सा टपरवेयर क्वालिटी का मुझे लगा, क्योंकि टपरवेयर भी मैं यूज कर चुकी हूँ। सो बिग थम्स अप फॉर दिस, और इसका रेट वाइज भी दिस इज वेरी अफोर्डेबल। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइटम मैंने मंगाया है, दिस इज टी शर्ट, शर्ट्स हम लोग इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये इस तरीके से बना हुआ आया है, आप देख सकते हैं, क्वालिटी इज ओके ओके, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हैं, लेकिन मे बी यू नो जब हम इसमें शर्ट्स वगैरह रखेंगे तो ये थोड़ा अच्छे से रहेगा, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से ये क्योंकि हो जा रहा है, यू कैन सी दिस। सो मुझे लगता है इसमें जब शर्ट्स वगैरह हम लोग फिल कर देंगे तो ये काफ़ी सही से रहने वाला है। सो मुझे ओके ओके प्रोडक्ट लगा, अदरवाइज मैं इसे यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी अपने ब्लॉग में कि कितना अच्छा है इसका क्वालिटी, क्योंकि अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। लेट्स सी, मैंने ये दृश्य के रूम के लिए मंगवाया है, दृश्य के कबर्ड के लिए, सॉरी। सो आई विल ऑर्गेनाइज एंड लेट यू नो कि ये कैसा है कैसा नहीं है। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और फ्रेंड्स ये मंगाया है मैंने, ये देखिए इस तरीके की ट्रे है, और इसके पीछे इस तरीके का कुछ रोटेटिंग दिया हुआ है, ताकि यू नो हम लोग किचन वगैरह में अगर इस पर कुछ भी रखते हैं तो हम रोटेट कर सकते हैं। तो ये भी मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी, बहुत अच्छी है, बहुत हैवी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन यू कैन सी अच्छी क्वालिटी का है। ये कलर बहुत मुझे अच्छा लगा, और दूसरा इसका जो यूज़ है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी कि किसी ने यूज़ किया हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा है, मैं यूज़ करके इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। अब समथिंग कुछ कहते हैं लेजी ट्रे और समथिंग लाइक दैट आई हर्ड इट। तो मैंने फर्स्ट टाइम लिया है इसको, और मुझे क्वाइट अच्छा सा लगा इसके ऊपर हम, जैसे अचार की, जैसे मैंने मंगाया है अचार का, वो सब रख सकते हैं। इवन वी कैन पुट ऑयल डिस्पेंसर्स, जो ऑयल का यूज़ रहता है, इवन वी कैन पुट मसाला दानीज ऑल्सो, तो इस काफ़ी किचन में काफ़ी इसका यूज़ हो सकता है, और क्वालिटी वाइज इट्स वेरी नाइस। लिंक इन डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइटम है फ्रेंड्स, अगेन ग्लासेस हैं, मग्स कह सकते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, रेट वाइज क्वालिटी वाइज इट्स सो ब्यूटिफुल, और बियर ग्लासेस भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये इस तरीके से आए हैं, ये देखिए, मेबी कई लोगों को अच्छा लगेगा कई लोगों को नहीं, बट मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा थोड़ा सा यूनिक सा लगा, कॉमन नहीं लगा ये। और इसमें हम लोग बियर, और इवन वी कैन सर्व फालूदास, आइसक्रीम्स, शेक्स, यू कैन सर्व एनीथिंग, इट्स योर विश। Quality wise it's very nice and a very affordable price, I get it. So this is from Flipkart, you can check link in our description. Again ye mere paas hai posters, so aap ye dekh sakte hain, this is a kind of marble finish,
और ये है सेट ऑफ 6 आई थिंक। देखिए इस तरीके से, तो ये बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं और इसका जो फिनिश है वो बहुत सुंदर है। और अब इसको, ये मैंने अपने बेडरूम के लिए मंगाया है, वाइट एंड गोल्डन थीम सी। और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी है और कुछ यूनिक से है। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को सब आइटम्स? और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। और नेक्स्ट व्लॉग भी दिवाली डेकोरेशन के हिसाब से आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर फ्रेंड्स। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंडों को बहुत बहुत ज़्यादा वाला प्यार दें।